दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कविता रानी। 15 जनवरी को Amazon प्राइम वीडियोस पर स्ट्रीम की गई सैफ अली खान की वेब फिल्म तांडव को लेकर लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। अली अब्बास जफर के डायरेक्शन में बनी इस वेब फिल्म पर भगवान राम, नारद और शिव के अपमान के आरोप लग रहे हैं। अब सोशल मीडिया पर इसे बैन करने की मांग की जा रही है, तो वहीं बीजेपी नेता लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने सैफ अली खान और करीना कपूर के घर की सुरक्षा बढ़ा दी है। सैफ अली खान और करीना कपूर अभी हाल ही में अपने नए घर में शिफ्ट हुए हैं, लेकिन विवाद बढ़ता देख अब उनके घर के बाहर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें सामने आई हैं जिनमें पुलिस कर्मियों को उनके घर के बाहर देखा जा सकता है, और इसके अलावा तस्वीरों में पुलिस की एक मिनी बस भी नजर आ रही है, जिसे देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि भाई पुलिस के एक दो अधिकारी नहीं बल्कि कई पुलिस कर्मियों को सुरक्षा में तैनात किया गया है। अब दरअसल सैफ की इस वेब फिल्म के पहले एपिसोड में दिखाए गए सीन पर बखेड़ा खड़ा हो गया है। तो पहले एपिसोड में दिखाया गया है कि भाई एक्टर जिशान अयूब यूनिवर्सिटी के फंक्शन में भगवान शिव के भेष में दिखाई दे रहे हैं। जिशान अयूब यूनिवर्सिटी के छात्रों से कहते हैं कि भाई आखिर आपको किससे आजादी चाहिए, और इस बीच नारद के भेष में मंच संचालक कहता है नारायण नारायण प्रभु कुछ कीजिए। राम जी के फॉलोवर्स लगातार सोशल मीडिया पर बढ़ते ही जा रहे, और मुझे लगता है कि हमें भी कुछ नई रणनीति बना ही लेनी चाहिए। अब इस पर जिशान अयूब कहते हैं क्या करूं, मैं तस्वीर बदल दूं क्या। इसके बाद मंच संचालक कहता है भोलेनाथ आप तो बहुत ही भोले हैं। तो आपको बता दें कि तांडव को लेकर महाराष्ट्र बीजेपी से विधायक राम कदम ने हिंदू देवताओं का अपमान करने के आरोप में मुंबई के घाटकोपर पुलिस स्टेशन में वेब सीरीज तांडव के निर्माताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। उनका कहना है वेब सीरीज के अभिनेता, निर्देशक और निर्माता के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। तो आपको बताते चले कि भाई इस वेब सीरीज में सैफ अली खान, डिंपल कपाड़िया, गौहर खान और सुनील ग्रोवर समेत कई सितारे नजर आए हैं। वैसे तांडव से जुड़े इस विवाद पर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।